पल्लों पे सुंदर ललिना होगा। किन्नर क्या है, ताली मारना है, मांगना है, खाना है, यही जीना है हम लोग को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका, आपके साथ है एमएस परदेसी जी। यहाँ बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत ही बनमनखी नगर परिषद वार्ड नंबर 13 में हम हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे किन्नर समाज के लोग हैं। देसी भाषा में अगर बोलें तो आप इसको हिजड़ा के नाम से भी जानते हैं। सवाल ये बनता है 2015 में इनका कानून बना के इन्हें सामान्य अधिकार जीने का जो है वो मिल रही है, लेकिन कहाँ तक मिल रही है, समाज इसका जवाब दे और ख़ास करके सरकार इस पे देखे कि इसको आखिर क्या क्या प्रॉब्लम है समाज में जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और समाज किस नज़र से इसे देखती है, ये सारा मामला है। लेकिन अभी हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुँचे हुए हैं, इन सब के मुख से जानना चाहते हैं कि आखिर इनको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, समाज इसको किस तरीके से देख रही है, क्या इसे रहने का जगह है, क्या सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठाई है, ये सारा चीज़ को हम अभी इनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि समाज में जिस अधिकार से सारे मानव रहते हैं वही अधिकार इन लोगों को भी है, चाहे वो जिस तरीके से रह रहे हों, लेकिन वास तो सभी को चाहिए, रहने का जगह तो सभी को चाहिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है? सीमा रानी। कितना दिन से यहाँ रहते हैं? 2 साल से रह रहे हैं। 2 साल से रह रहे हैं। हाँ। आप लोग यहाँ पे भाड़े पे रहते हैं या क्या, आपका घर है? भाड़े पे रहते हैं। भाड़े पे रहते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं जो इनका हेड होता है, जो इन सभी को चलाती है और कहाँ कहाँ जाना है, प्रोग्राम बनाती है, एक लेखा जोखा लिस्ट तैयार करती है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या परेशानी हुआ जहाँ पे ये रह रही है और क्या कहना चाहती है, ये सारी चीज़ हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा काजल किन्नर, और हम बनमनखी से हैं। सब भाइयों को, बनमनखी का जितना भी हमारा समाज है और बिहार की जितना भी मेरे भाई है, माँ है, बाप है, बहन है, सबसे हम यहाँ जोड़ के विनती करते हैं से हम लोग का किन्नर समाज को एक हक दिया जाए, और नेता सब सो सरकार से भी हम गुहार करते हैं, हमारा हक मिलना चाहिए। हम लोग का नहीं जगह है, नहीं ज़मीन है, नहीं हमारा आगे पीछे कोई है, और हम लोग समाज से मांग खा के जीते हैं। ऐसा कहीं बाबू होते हैं, किसी का बेटा होते हैं, बेटी होते हैं, कहीं का नया घर बनाते हैं, शादी होते हैं, तो हम लोग हर एक खुशी में जाके कुछ नमा मांग के हम लोग बधाई नाच के आते हैं, और हमारा नहीं आगे पीछे कोई नहीं, नहीं हमारा घर है, नहीं द्वार है। सरकार से मैं ही विनती करते हैं हम लोग को जगह दिया जाए, और हम बनमनखी से हैं, अभी हम लोग रेंट पर रहते हैं, और जितना भी हमारा किन्नर समाज है हम सबको राम राम करते हैं, और बस इतनी है हमारे सरकार से। अभी जो आप, आपको वोट देने का अधिकार है जी, आप वोट दिए थे जी, तो अभी नव निर्वाचित यहाँ के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं जी, उनसे क्या कहेंगे आप? पप्पू यादव से पहले तो हम राम राम, जय माता दी, और हम उससे ही गुहार करते हैं। हमारे चलो बहुत अच्छा वाला बात है, नेताजी हमारे पूर्णिया जिला के हैं, और हम उससे ही गुहार करते हैं, नेताजी से हम विनती करते हैं हम लोग को कहीं जगह दिया जाए, और हम लोग को भी समाज में इज्जत मिलना चाहिए, समाज में इज्जत मिलना चाहिए। तो क्या आगे का जो प्रोग्राम है आपका, यहाँ से सांसद जी का अर्जुन भवन तक जाने का, ये प्रोग्राम वगैरह कुछ बना है? जी, हम लोग जाएंगे वहाँ पे, हम लोग अपना मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग कितना भी पता नहीं है कहाँ पे है, से हम वहाँ भी पहुँचेंगे नेताजी के पास, हम वहाँ भी गुहार लगाएंगे से हम लोग को जगह दिया जाए। हम लोग कौन है, अभी पैर हाथ चल रहे, शरीर से मांगा है, हम लोग बधाई नाच के रेंट पर हम लोग रहते हैं, कहीं हमारा भी तो जिंदगी है, लाइफ है ना, हम लोग का हक है वोट देने का, समाज के बीच हम लोग को इज्जत मिलना चाहिए। अभी कहीं बधाई नाचने जाते कोई छक्का बोलते हैं, कोई हिजरा बोलते हैं, कोई नचनिया बोल देते हैं, तो हम लोग को क्या इज्जत नहीं है? और हमारे जजवान दाता बनमनखी का, सरसी का, पूरा पूर्णिया जिला का, जितना हमारे बिहार के है सब मेरे जीते रहे, सबके बाल बच्चा खूब अच्छा जिए, माता रानी के दुआ उसके बाल बच्चा जिए, वो लोग अच्छा रहे, हम लोग खुशनामा मांग के खा सकते हैं। अभी सांसद जी से आपने बात कहा, लेकिन सांसद जी के जैसे बहुत सारे नेता है जिसके घर में आप लोग बधाई लेने जाते हैं, तो उन सारे लोगों से क्या कहेंगे आप? उस लोग से मैं यही चीज़ कहते हैं, हम लोग का हमारा हक दिया जाए, और जिसके बगल नेता है, चाहे हमारे गरीब है, अमीर है, हम खुशनामा सबके घर में हम नाचने जाते हैं, और सबके घर हमारा हक मिलना चाहिए खुशनामा में। किन्नर क्या है, ताली मारना है, मांगना है, खाना है, यही जीना है हम लोग को।
यही चीज हमारा काम है। हम कहीं कोदार नहीं पार सकते, पंजाब दिल्ली नहीं खट सकते, कौन रखेगा अपना घर में। कहीं कहीं हम लोग घर भी जाते हैं किसी के, कोई बोले थे बाहर गेट से बाहर निकलो, हम नहीं जानते हैं कौन किसको हिजरा बोलते हैं, अब लोग ट्रेन मांगने वाला है। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हम लोग इतना है, हम लोग का दुआ आशीर्वाद के दान खाते हैं और दुआ आशीर्वाद देकर हम किसी घर में अपना जाके नाच गान करके दुआ आशीर्वाद देकर हम लोग बधाई मांगते हैं। और बनमनखी के जजवान को, सरसी को, जानकी नगर के, जितना भी हमारा ये बिहार के है, पूरा पूर्णिया जिला के, हम सबसे यही गुहार करते हैं, नहीं अपना देश को, अपना देश किन्नर को पहचानिए, उसको बधाई दीजिए। हम लोग तो ही दान, हम दुआ आशीर्वाद देते हैं। और कोई बोलते पमरिया है, भटिनिया आते हैं, हम उसको देते बधाई, नहीं वो गलत है, वो तो एक नर एक नारी है जी, हमारा जैसा तो वो नहीं है। धरती पर परमात्मा महादेव जी ने हम लोग का नारी बना के भेजे हैं जी, हमारा हक मिलना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? खुशबू। खुशबू जी, आप क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहूँगी, हम लोग को हमारा हक दिलवाएं, जीने का अधिकार चाहिए दुनिया में, जीने का अधिकार, हम लोग भी चैन से जीना चाहते हैं। हाँ, और आप क्या कहेंगे? मेरा नाम है सोना सोनाली किन्नर जी। आप क्या कहेंगे सरकार? हम यही सरकार से कहना चाहते हैं, हम सबको भी जीने का हक है, हम सबको भी खाने का हक है, कमाने का हक है। हम सब यही बधाई में रहते हैं, कमाते हैं, खाते, दुआ आशीर्वाद देते हैं, और क्या, हम यही चाहते हैं, हमको दो पैसा कम मिले या नहीं मिले, हम मेरा दुआ आशीर्वाद ही काफ़ी है जी। और सरकार से इज्जत मिलना चाहिए, हमको सबसे इज्जत मिलना चाहिए। कोई ताना मारता है, किन्नर है, छक्का है, इजरा है, ये है, वो है, ये हमको सुनना नहीं चाहिए। गंद नज़रों से देखता है, ये बात गलत है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हमको ये, हम यही चाहते हैं जो हमको सब अच्छी नज़र से, माँ बहन बेटी की नज़र से देखें, और हमको भी जैसे सब जैसे समाज में जीते हैं माँ बहन बेटी सब, वैसे ही हम भी जीना चाहते हैं। सरकार से हमको यही है गुजारिश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि सदियों से ये प्रथा रहा कि इसको उसी नज़र से देखा जा रहा है। सवाल ये है कि समाज में, उसी समाज से जन्मे हुए, बोले तो किसी एक घर से पैदा हो करके इस समाज में आना पड़ता है, चूँकि इसे ना मर्द कहते हैं, ना मर्द है, ना औरत है, बीच वाला है जिसका शादी नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे समाज में इसको इज्जत कब मिलेगी। इन्होंने गुहार लगाया कि हमारे सांसद पप्पू यादव अब हमें रहने का स्थान दे, रहने का घर दे, ताकि हम भी समाज में इज्जत से रहने के काबिल हो जाएं। अब हम यहाँ के समाज के एक दो लेडीज हैं जिनके घर में ये लोग किराए पे रहती है, और लोग से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके का जीवन है इन लोगों का और किस तरीके से जीते हैं, ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ पहले आपका? मेरा नाम बीबी गुलशन है। आप इन लोगों को कैसे जानते हैं? ये लोग किन्नर है, आया है, ये लोग यहीं पे मांग चांग के खाता है, किराया पे रहता है, अच्छा व्यवहार है, मगर मांग चांग के खाता है, मगर रहने के लिए ये लोग के पास घर मकान नहीं है। तो क्या कहेंगे यहाँ के सरकार से, यहाँ के नेताओं से, इन लोगों को कैसा अधिकार मिलना चाहिए? घर इन लोग को मिलना चाहिए, जिस तरह से समाज में हम लोग जीते हैं उसी तरह से इसको भी जीने का अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए। हाँ, सम्मान चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? इन लोग को बारे में यही बोलने के लिए चाह रहे हैं कि हमारे घर में जो है ना 5 साल से ये लोग रह रहे हैं, लेकिन अच्छे व्यवहार से रह रहे हैं। कल्पना देवी बोल रहे हैं, पप्पू भैया से अपने गिनती करते हैं कि इन लोग को कहीं जगह दे दे, बनमनखी में कहीं दे दे, जानकी नगर हो, बनमनखी हो, पूर्णिया हो, कहीं हो, इन लोग को दे दे जगह, दे दे, अपना कमाएगी, अपना खाएगी, अच्छे व्यवहार से ये लोग रह रही है हमारे घर में जी। हम लोग जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बोलिए। हमारा एरिया बनमनखी, हमारे संगीता माँ जी है, संगीता पांडे, फोक्सीबाग चौहान टोलम पूर्णिया में, वो एरिया हमारा गुरु माँ के है जी, वो एरिया हमारा नहीं है जी। हम लोग को किन्नर समाज तरफ से इलाका मिले हैं, मुझे सरसी मिले हैं, बनमनखी है, जानकी नगर है, इस बीच में कहीं भी मुझे जगह दे दे तो हम उसमें अपना कहीं भी दो रूम पा के हम लोग अपना किन्नर समाज अच्छा ज़िंदगी हम लोग जी सकते हैं, और समाज के बीच में हम अपना इज्जत बना सकते हैं, और समाज के बीच में हम ऐसा काम करेंगे समाज के बीच में हमारा इज्जत, हमारा वैल्यू बन जाएगा। कहीं रेंट देते हैं, कोई कुछ देते हैं, कोई समाज में मिलते हैं, हमारा बधाई नहीं मिलते हैं। अभी हम लोग अपना सब किन्नर समाज टाइम पास करते हैं, एक एक नाच गाते हैं, कमाते खाते, हम लोग के पास अभी ऐसा समझो एक टाइम पास हो रहा है। कहीं सरकार जब हमारा इतना सोच ले हमारे लिए, किन्नर समाज के लिए, तो हम लोग आगे बहुत कुछ बिहार में कर सकते हैं।
जी इसका उदाहरण भी है, कई ऐसे समाज हैं इनके जैसे से समाज हैं जो पढ़ाई में बहुत अग्रसर है और ऊंचे ऊंचे पदों पे विराजमान है, और ये सारा चीज़ को देखते हुए अब देखना ये है कि सरकार और यहाँ के स्थानीय नेता इन लोगों के लिए क्या करते हैं। आगन होगा पलनों पे सुंदर ललना होगा, सितारों का आगन होगा पलनों पे सुंदर ललना। प्रेम के गली में मैं ते दैया बोलवाऊंगी, दैया बोलवा के मैं ते नारा कटाऊंगी, दैया को पियारी देना होगा पलों पे सुंदर ललना होगा। हम सरकार से इतनी कहते हैं हमारा हक दिया जाए यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मनमनखी से MS परदेसी।